संत नगर में शांता अपने भाई दारा के साथ रहती थी। इस दुनिया में दोनों बहन भाई का एक दूसरे के सिवा कोई नहीं था। उनके माता पिता की काफी समय पहले ही मौत हो चुकी थी। दारा बहुत हड़हराम और निकम्मा था। सारा दिन आवारा गर्दी और दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे हांकने के अलावा उसे कोई काम न था। अपना और दारा का गुजर बसर करने के लिए शांता को ही मेहनत मजदूरी करनी पड़ती। इंतहाई दर्जे का निकम्मा होने के बावजूद शांता अपने भाई से बेहद प्यार करती थी। देखो भैया, कब तक इसी तरह आवारा गर्दी करते समय बिताओगे? मैं कहती हूँ और तो कुछ नहीं, शादी ही कर लो। हो सकता है भाभी के आने के कारण तुम्हारी किस्मत का ताला खुल जाए। देखो देखो शांता, मैं किसी के आगे लड़की की भीख मांगने से तो रहा, तू ही कोई चक्कर चलाना मेरी शादी का। तुम्हारे जैसे आवारा लफंगों ने दर्जनों लड़कियां अपने पीछे लगा रखी होती हैं। तुम्हें क्या एक भी नहीं मिल रही? चलो ठीक है, भाभी की जरूरत भी तो मुझे है, ये बेड़ा भी मुझे ही उठाना पड़ेगा। चलाती हूँ कोई चक्कर। शांता रोज सुबह काम के लिए निकलती और शाम को थकी हारी घर आकर उसे दुनियादारी की कोई होश ही ना रहती। बस जिंदगी का चक्कर ऐसे ही चल रहा था, समय गुजरने का कुछ पता ही नहीं चलता। अरे ओ शांता, कुछ खाने को है तो दे दो। भैया, सुबह तुम्हारे सारे दिन के खाने पीने का बंदोबस्त करके जाती तो हूँ, क्यों मुझ थकी हारी को तंग कर रहे हो? अरे वो तो मैं सारा दोपहर को ही खा गया था। इतना कम खाने को देती हो, मुझसे अच्छा तो वो नागी है, दिन में 5 दफा खाता है, 5 दफा। भैया वो कमाता भी तो खुद है ना, 5 छोरो वो 7 दफा खाना खा सकता है। तू भी कोई काम धंधा कर ले और अपनी मर्जी से खा पी ऐश कर, मुझसे तो जितना हो सकता है मैं वही करूँगी ना। अच्छा चल छोड़ शांता, इन बातों को मेरी बात सुन। वो तो कुछ दिन पहले मेरी शादी की बात कर रही थी, क्या बना फिर मेरी शादी का? अभी तो कोई जुगाड़ नहीं हुआ, जब होगा तब बता दूंगी। देख फिर मेरी बात सुन, मैंने एक जगह अट्टी सटी लगाई है, अगर काम बन गया तो वारे न्यारे हो जाएंगे शांता। बस तू ऐसा कर जहाँ मैं कहता हूँ, कल तूने लड़की के पिता से लड़की का हाथ मांगने जाना है। वाह भैया, ये तो बड़ी खुशी की बात है। कल क्या, मैं अभी जाऊँगी अपने भैया के लिए हाथ मांगने। बस तुम मुझे बता जाना कहाँ है, किस लड़की को फांस लिया तुम जैसे लड़के ने? अरे देख, मैं कोई ऐसी वैसी चीज नहीं, मैं बड़ी पहुँची हुई शया हूँ, इतना भी निकम्मा ना समझ मुझे, मेरा नाम भी दारा है, दारा। इसी तरह बातें करते करते रात काफी गुजर चुकी थी। दूसरे दिन सुबह उठकर शांता, बताओ भैया कहाँ जाना है लड़की का हाथ मांगने? वो जो बड़े बंगले वाला सेठ है ना, इसकी बहन रूपा, वो अभी तक कुंवारी बैठी हुई है, बस इसी का हाथ मांगने जाना है तूने। वो बड़े बंगले वाले सेठ? ना भैया ना, मैं ना जाऊंगी वहाँ लड़की का हाथ मांगने, वो तो बहुत तगड़े लोग हैं, सारा गांव उनके नाम से थर थर कांपता है। हमारी औकात कहाँ, हम उनसे रिश्ते की बात करें। देखो शांता, मैं भी गांव का सबसे बड़ा लफंगा हूँ, लफंगा, मेरा नाम भी दारा है, गांव वाले थर थर कांपते हैं मेरे नाम से। बस तू एक बार जा तो सही, फिर जो होगा देखा जाएगा ना। बाकी रही बात सेठ जुगनू की, इसकी बहन रूपा खुद ही मनाएगी इसको। अपने लाडले भाई की फरमाइश के आगे शांता कुछ नहीं कर पाती और सेठ जुगनू के बंगले पर उसकी बहन रूपा का हाथ मांगने आ जाती है। अरे ओ देख लड़की, मेरी बिल्ली और मुझे ही मियो, तुम होश में तो हो, तुम्हारे लिए बेहतर यही है, जिस इज्जत से आई है ना, इसी तरह यहाँ से चली जा। मैं सब समझता हूँ, कीचड़ में पत्थर फेंकूंगा तो गंदे छींटे मुझी पर पड़ेंगे ना, और देख जरा सियानी बन, अपने भाई के लिए जाकर कोई और घर ढूंढ, यहाँ ट्राई मत मार मेरे बंगले में, यहाँ से तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। सेठ जुगनू और शांता भी बहस कर ही रहे थे तो वहाँ रूपा आ जाती है। भैया जी, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ बोलूं? अरे ओ, बोलने सुनने को कुछ रह गया है, जो मैं तेरी सुनूं, और कान खोलकर तू भी मेरी बात सुन ले रूपा, मैं शांता की जुबानी सब सुन चुका हूँ जो गोल तूने खिलाया है। चल जा इधर से, चली जा, मैं बाद में तेरे साथ बात करूँगा। भैया जी, जो बात होनी है ना, इधर ही हो जाए तो अच्छा है, मैं बस दारा से ही शादी करूंगी, ये बात आप भी ध्यान से समझ लीजिए। अच्छा तो ठीक है, जैसा तू कहती है वैसा ही होगा, और देख मैं इस मामले में कोई बिगाड़ नहीं चाहता,
ये बात मैं भी समझता हूँ कि मैं पागल औरतों में फंस चुका हूँ। अब मेरी इज्जत की खैर नहीं। देख शांता, तू एक काम कर, पंडित जी से अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर ले आना अपने भाई को, और चुपचाप रूपा को अपनी भाभी बना कर ले जाना यहाँ से। अब इससे ज्यादा और मैं नहीं चाहता मेरी इज्जत की अर्थी निकले। इसी तरह सेठ जुगनू रूपा के हाथों मजबूर होके रिश्ते के लिए हाँ बोल देता है। और फिर कुछ दिनों बाद ना कोई डोल ताशे और ना ही कोई हल्ला गुल्ला, चुपचाप दारा के साथ रूपा की विदाई हो गई। रूपा को दारा के घर विदाई होकर आए चंद दिन तो आराम से गुजर गए, मगर उसके बाद वो शांता के घर की दीवारों और कोने खदरों को ऐसे टटोलती जैसे कुछ तलाश रही हो। भाभी, बुरा ना मनाए तो एक बात पूछूं? पूछो पूछो, क्या पूछना चाहती हो? मैं देख रही हूँ आप हर समय हमारे घर की खिड़कियों, दीवारों, फर्श और छत को ऐसे घूरती रहती हो जैसे पहली दफा कोई चीज देखी हो। हम गरीबों के घर ऐसे ही होते हैं। आप यहाँ दारा से शादी करके खुश तो है ना? शांता, ऐसी कोई बात नहीं, ये सब तुम्हारा वहम है। भाभी, अगर कोई चिंता की बात हुई तो मुझे जरूर बता देना, इस तरह दिल का बोझ हल्का हो जाता है। ठीक है, जरूरत पड़ी ना तो जरूर बताऊंगी। इसी तरह भी थोड़े दिन ही गुजरते हैं। देखो दारा, मुझे अपने भैया से मिलने जाना है, मुझे आजकल उनकी बहुत यासत आ रही है। रूपा रूपा, तुम्हें पता है ना तुम्हारे भैया ने किन हालात में तुम्हारी विदाई की थी? वो कभी भी अपने बंगले पे तुझे आने नहीं देंगे। और देख, ऊपर से इसका चेला है ना ग्रैंगो, मेरी जरा भी इससे नहीं बनती। मेरी पहले भी इससे कई बार अनबन हो चुकी है, इसीलिए मैं तुझे समझाता हूँ, पिछली जिंदगी को भूल जाओ और इधर ही अपना दिल लगाने की कोशिश करो, यही तेरा घर है। घर देखो दारा, मैं जानू और मेरे भैया जुगनू जाने, इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। हाँ, तुम मुझे बस मेरे भैया के बंगले पर छोड़कर चले आना, शाम तक मैं खुद ही लौट आऊंगी। दारा रूपा की जिद के आगे मजबूर होकर उसे सेठ के बंगले पर छोड़ आता है। अरे ओ, आओ आओ रूपा, बड़ी खुशी हुई तुम्हें देखकर। बताओ जरा, कोई काम की खबर लाई हो? कोई चक्कर चला? क्या खुशखबरी है, जल्दी से मुझे बताओ। काम की खबर क्या सुनाऊ भैया, मैंने तो उस घर की एक एक दीवार, एक एक कोना छान मारा, मगर मुझे कहीं नजर नहीं आई वो जादुई लालटेन। अरे रूपा, तुम इतनी फोहड़ निकलोगी, मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। दारा के बाप ने मुझे खुद बताया था, जब वो हमारे खेतों में काम करता था, वो तिलसमी लालटेन इसी के पास है, वो 50 वर्षों में बस एक ही बार काम करती है। और मेरी बात सुन जरा, 50 सालों बाद जब इसे जलाया जाए ना, तो इसकी रोशनी जिस जिस चीज पर पड़ेगी वो सोने की बन जाएगी। बस जानदार चीजें सोने की नहीं बनती, ये सारी रिपोर्ट मुझे दी थी दारे के बाप ने। भैया जी, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि ये गैजेट वाली बात सच है? दारा का बाप एक सच्चा और खरा इंसान था, वो कभी झूठ नहीं बोलता था। इसने जितने भी सालों हमारे खेतों में काम किया, बड़ी ईमानदारी और मेहनत से किया था। ये तो इसकी किस्मत हार गई, जो अपने बच्चों को ये राज बताने से पहले ही चल बसा। बस इसे खेतों में काम करते समय सांप ने काट लिया और इसकी मौत उधर ही हो गई। अच्छा भैया, फिर से ट्राई मारूंगी, अब मैं चलती हूँ। रूपा अपने भैया को ये बोलकर वापस आ जाती है और फिर वही हरकतें शुरू कर देती है। एक दिन रात के समय ठक ठक की आवाज से शांता की आंख खुल जाती है, तो उसने क्या देखा, रूपा अपने कमरे की फर्श को एक जगह से तोड़ रही थी। दारा अभी आवारा गर्दी करके घर नहीं लौटा था। भाभी, ये क्या, आप कमरे के फर्श में गड्ढा क्यों निकाल रही हो? मैं कब गड्ढा निकाल रही हूँ, ये सब तेरी करतूत है। हाय हाय, शांता मुझ पर जादू कराना चाहती है, ये मेरे कमरे में पता नहीं क्या जादुई टोने कर रही है, जादू के जोर से मेरी और दारा की शादी करवाना चाहती है। हाय हाय। रूपा दारा को कमरे में आता देख जोर जोर से चिल्लाने लगी और सारा इंजाम शांता पर डाल दिया। ओहो ओहो, क्यों चिल्ला रही हो, क्या हुआ, मुझे भी तो कुछ बताओ ना। दारा, ये देख अपनी बहन की कारवाइयां,
मेरे कमरे में गड्ढा बनाकर कोई जादू टोना कर रही है। वो तो मेरी आंख खुल गई। ऊपर से ये सारा इंजाम मुझ पर ही डाल रही है। अब मैं किसी शर्त पर नहीं रहूंगी इसके साथ। इसे निकालो इस घर से। ठीक है मैं सब समझ गया। चुप हो जाओ इस समय। सुबह होते ही कोई फैसला करूंगा। जाओ जाओ सब अपने अपने बिस्तर पर सो जाओ जाकर। दारा ने गाट गाट का पानी पी रखा था। वो सब समझ गया कि दाल में कुछ तो काला है, मगर उसने सबको समझा बुझा कर चुप करा दिया और सारी रात बात के तह में पहुंचने के लिए जागता रहा और सोचता रहा कि आखिर माजरा क्या है। उसे शांता पर पूरा यकीन था। सुबह होते ही देखो अरे ओ रूपा, मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के बंगले पर छोड़ आता हूँ, जब तक अपने रहने सहने का कोई बंदोबस्त ना कर लूं मैं। हाँ दारा, ये क्या बात सुना दी मुझको। मैं नहीं जाने वाली इस घर को छोड़कर। शांता से कह कि अपना कोई ना कोई बंदोबस्त कर ले। देखो रूपा, ये घर हमारी माँ का था और वो ये घर मरते समय ना शांता को देकर गई थी, इसीलिए मैं कहता हूँ हमें यहाँ से जाना होगा। रूपा के लाख मना करने के बाद भी दारा उसे सेठ जुगनू के बंगले पर छोड़ आया। भैया क्या बात है, अकेले ही आए हो? भाभी कहाँ है? हाँ, इसे तो मैं सेठ जुगनू के बंगले पर छोड़ आया हूँ। चल छोड़ इसे, ये समय इन बातों का नहीं। इधर आ बैठ और ध्यान से मेरी बात सुन। हाँ, और मुझे बता, पिता ने कभी कोई तुझसे कोई राज या पर्दे की बात की थी? कुछ याद नहीं पर रहा दारा कि पिता ने कोई ऐसी खास बात बताई थी। बस इतना याद है, अपने पुरखों की जादुई लालटेन का वो अक्सर जिक्र किया करते थे, जो 50 सालों में बस एक बार ही काम करती है, जिसे जलाने पर उसकी रोशनी जिस भी चीज पर पड़ेगी वो चीज सोना बन जाती है। हाँ, यही वो राज की बात है जो मैं तुझसे पूछना चाहता था शांता। जिस जगह रूपा ने गड्ढा खोदा है ना, पिता उसी जगह जमीन पर कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश किया करते थे। दारा आओ देखता है ना ताओ, जल्दी जल्दी उसी जगह से जमीन पर एक बड़ा सा गड्ढा खोदना शुरू करता है। थोड़ी सी खुदाई करने के बाद वहाँ से एक लकड़ी का संदूक मिला, जिसे खोलते ही उसमें से एक चमकती दमकती लालटेन दारा और शांता को मिलती है। देखो शांता, मुझे लगता है वो समय आ गया है इस लालटेन के काम करने का। हाँ जल्दी करो, जल्दी, इससे पहले के सेठ जुगनू और इसके चेले आ जाएं। हाँ मेरी बात सुनो, बाहर से बहुत सारे पत्थर उठा के लाने हैं, जल्दी जल्दी ले आओ। हाँ दारा, तुम पत्थर लाओ, मैं लालटेन जलाने का बंदोबस्त करती हूँ। फिर दोनों बहन भाई जादुई लालटेन के सामने ढेर सारे पत्थर रख कर उसे जलाते हैं। लालटेन की रोशनी पत्थरों पर पड़ते ही वो सारे के सारे पत्थर सोना बन गए। देखो दारा, पिताजी कहते थे कि अपना समय आने पर ये बस एक ही दफा काम करती है। चलो शांता, जल्दी जल्दी सोना समेटते हैं और यहाँ से निकल चलें। सेठ जुगनू और रूपा की सारी साजिश मुझे समझ आ गई है, बस जल्दी कर और इधर से निकलना है। फिर दारा और शांता सारा सोना समेट कर जंगल की तरफ तड़ी पार हो गए। उनके घर से भागते ही सेठ जुगनू रूपा और अपने चेलों के साथ वहाँ पहुँच गया। अरे ओ ग्रैंगो, ढूंढो इन्हें, कहाँ छुपे बैठे हैं? सेठ जी, वो तो कहीं नहीं मिल रहे। छोड़ो इन कमबख्तों को, वो देखो सामने मतलब की चीज पड़ी है। हमने इन भूखे फकीरों का क्या करना है? जल्दी जल्दी अपना काम सीधा करते हैं और इधर से निकल चलते हैं। लालटेन को देखते ही सेठ जुगनू की राले टपकने लगी। ए, 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 जिस चीज की मुझे बरसों तलाश थी वो मिल ही गई ना। देखो ग्रैंगो, मुझसे बड़ा लालची कोई नहीं है। मैंने अपने लालच के लिए दारा जैसे घटिया इंसान के साथ अपनी बहन की शादी ही करवा दी, मगर उसका मुझे बदला तो मिल गया ना। ये देखो जादुई लालटेन मेरे सामने पड़ी है। ये बोलते ही सेठ जुगनू लालटेन को आग की जंगारी से जलाने की कोशिश करता है। लालटेन के दोबारा इस्तेमाल होने के कारण पताल का द्वार खुल जाता है और वो सब के सब उसमें डंस जाते हैं। दूसरी तरफ दारा भी एक अच्छा इंसान बन जाता है और फिर वो और शांता एक बड़ा सा बंगला खरीद कर उसमें रहने लगते हैं। वो दोनों हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।